नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या के सुहटी मोहल्ले में स्थित हजरत नवाब अली शाह उर्फ नवाबू दादा रहमतुल्ला अलैह का 3 दिवसीय सालाना उर्स संपन्न हुआ। इस दौरान उर्स के आखिरी दिन यानी बुधवार को जवाबी कव्वाली का आयोजन किया गया था, जिसमें मशहूर ओ मारूफ कव्वाल महबूब ताज व कव्वाला सीबा परवीन ने अपनी कव्वाली के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर उर्स कमेटी के सुल्तान अंसारी व शेर अली उर्फ शेरू खान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी नवाबू दादा का 3 दिवसीय सालाना उर्स बड़े ही अकीदतों एहतराम के साथ मनाया गया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इस आस्थाने पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बकरीद के दूसरे दिन उर्स का पहला दिन होता है, जिसमें गुसल मजार शरीफ कुरान खानी बकुल शरीफ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन ईद मिलादुन्नबी व उर्स के अंतिम दिन जवाबी कव्वाली का आयोजन किया जाता है। इस दौरान यहां पर जवाबी कव्वाली में बतौर अतिथि के रूप में युवा भाजपा नेता विशाल मिश्रा, टीकापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हाजी फिरोज खान गब्बर के अलावा दशरथ गद्दी के महंत स्वामी ब्रजमोहन दास तथा प्रख्यात कथावाचक देवेंद्र पाठक, समाजवादी पार्टी नेता राम बक्स यादव सहित अन्य अतिथियों का उर्स कमेटी के संरक्षण व समाजसेवी मोहम्मद इरफान उर्फ नन्ने मियां ने साफा पहनाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। ये कार्यक्रम सालाना उर्स आयोजित किया जाता है नवाबू दादा नवाब अली जी के मजार पर। ये हर वर्ष प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता था। विगत 2 वर्षों से कोरोना काल की महामारी के चलते ये नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो महामारी समाप्त हुई तो फिर से दिव्य और भव्य तरीके से आप देख रहे हैं कि यह उर्स आयोजित किया जा रहा है। जैसे पहले आयोजित किया जा रहा था, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ इस कार्यक्रम का संयोजन जो कि समाज सेवी इरफान अंसारी उर्फ नन्हे मियाँ जी, उनके बेटे सुल्तान अंसारी, मुख्तार चाचा, उनके बेटे अजमेर अली जी, शेरू अली, हम लोगों के भाई बबलू भाई, इमरान भाई, इन सारे लोगों के संयोजन में यह कार्यक्रम होता है और खूबसूरत कार्यक्रम होता है। बहुत देर रात तक लोग लुत्फ उठाते हैं और बहुत आनंदित और भाव विभोर होकर के भाईचारे का संदेश देते हुए हिंदू मुस्लिम सब साथ बैठ करके और देर रात तक आप पाएंगे कि यहाँ कार्यक्रम देखेंगे लोग। देखिए, मैं तो बहुत बचपन से इस मोहल्ले से जुड़ा हूँ, इस मोहल्ले के घर घर से मैं इस तरह वाकिफ़ हूँ कि जैसे मैं स्वयं इस घर का सदस्य हूँ। तो मुझे तो सदियों से यहाँ बहुत स्नेह अपना तो प्यार मिला है, वो आज भी मिल रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी ऐसा मिलता रहे। विशाल मिश्र, पूर्व महामंत्री, छात्र साकेत महाविद्यालय। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।